गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो भी? क्या हाल है तुम्हारे? चलो आज हम लोगों का डिस्कशन है, डिस्कशन करते हैं। रमेश, काम किया तुमने? कौन सा काम? जो लास्ट क्लास में दिया था। हाँ सर, वो किया है। चलो दिखाओ, कहाँ किया? सर वो पेजेस पे है, वो ढूंढना पड़ेगा। बेटा तेरी उम्र में ना कभी मैं भी था। ये तू कहानियां सुना रहा है ना, तेरे मास्टर ने भी अपने मास्टरों को कभी ये कहानियां सुनाई होंगी। सुना है ना तुमने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो कुछ किया नहीं होगा तुमने, छोड़ो यार। चलो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। सर डाउट। हाँ बताओ, क्या डाउट है? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्लॉक? भाई इसमें कौन सा वर्ड नहीं समझ में आया? आसान सी अंग्रेजी तो दे रखी है, ऐसी कौन सी तोप ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी लिख दी यहाँ पे। अच्छा बता, ब्लॉक का मास कितना दे रखा है ये बता। सर मैं मॉड्यूल खोल के बताता हूँ, मॉड्यूल दूसरे कमरे में है, वो लेके आऊँ? अरे सर आप क्यों कष्ट करेंगे, हम आते हैं ना आपके घर पे ढूंढने। आप रमेश महाराज एक यार आठ लगा दिश मठा जी, आप क्यों कष्ट करेंगे सर, आप तकलीफ मत दे, हम आते हैं, लेके आ जल्दी। हाँ सर 10 kg दे रखा है। तो वेट होता है mg, जी को 10 ले ले, आ गया आंसर। सर इसमें वेट नीचे लगेगा? ना ना, नीचे क्यों होता है, रॉकेट ऊपर उड़ता है ना ऊपर, तो वेट ऊपर लगता होगा, है ना, ऊपर लगता है वेट। ठीक है सर, लेकिन हम कभी कभी नीचे भी लगाते हैं ना सर, तो आप वो बता दो कि कब ऊपर लगाना है कब नीचे लगाना है। अरे भाई वेट हमेशा नीचे ही लगता है, धरती माता नीचे खींचती है, ऐसा कब देख लिया कि दुनिया ऊपर कूदने लग गई, वेट नीचे ही लगता है भाई। सर आप तो कह रहे थे रॉकेट की तरह ऊपर को लगेगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। सॉरी शक्तिमान। रमेश ये बता कितने घंटे पढ़ाई करते हो तुम? सर 6 घंटे। अरे बहुत बढ़िया, क्लास मिला के। ओह नो बेटा, आज शाम को ना तेरी पीटीएम है, पेरेंट्स को लेके आई। सर भैया को ले आऊं? बेटा पेरेंट्स का मतलब समझता है? अच्छा अंग्रेजी तो टाइट है ना। ओके सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस सर ठीक, आप सुनाइए। गुड इवनिंग सर। बताइए सर रमेश कैसा कर रहा है क्लासेस में? सर रमेश तो अच्छा ही कर रहा है, हम ही लोग अच्छा नहीं कर पा रहे। बस कोई ना सर, हौसला रखिए, आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे 15-20 सालों में। शुक्रिया सर, दुआएं हैं आपकी। सर इसकी केमिस्ट्री और मैथ्स तो ठीक चल रही है, फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहा है इसके। इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। लो सर। हाँ सर केमिस्ट्री और मैथ में तो बस नोबेल प्राइज मिलने ही वाला है। सर फिजिक्स में इतने कम नंबर क्यों आया इसके, आप ठीक से नहीं पढ़ाते क्या? सर अब ये तो रमेश ही बताए। पापा मैं तो सारा काम करता हूँ, सर मुझे डांट देते हैं। अगर 30 क्वेश्चन होमवर्क में मिलते हैं तो उसमें से मेरे 28 हो जाते हैं, में डाउट होता है। सर अब आप ही देख लो क्या ही होमवर्क करता है आपका बच्चा, क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं है पूरा, और पढ़ के ही छोड़ देता है, पूरा भी नहीं पढ़ता, सोचता है चलो मास्टर तो है ही क्लास में, पूछ लेंगे मास्टर। सर ऐसी बात नहीं है, मैं इसको घर पे देखता रहता हूँ, सारा दिन पढ़ता रहता है, बस 1 घंटे की ब्रेक लेता है बीच में। सारी नोटबुक्स दिखाओ। दिखा भाई नोटबुक्स, दिखाओ अपनी सारी। पापा वो तो मैं पेजेस पे लिखता हूँ, वो तो ढूंढने पड़ेंगे। बस ये मोबाइल पे आपके लेक्चर सुनता रहता है हेडफोन्स लगा के। सच में सर? लगता तो ऐसे ही था सर। सर अब मैं ना आपको इसकी सारी कहानी सुनाता हूँ, ये घर पे कोई पढ़ाई नहीं करता है, ये बेवकूफ बना रहा है आपका और हमारा, ऐश काट रहा है जिंदगी की, अगर इसी तरह चलता रहा ना चितकारा में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट कोटा में दिलाता हूँ। मैनेजमेंट कोटे में भी नहीं। ओह नो सर, मेरी वाइफ ही घर पे इसकी पढ़ाई देखती है, आप इसको बोल दो। मैम आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सर इकलौता बच्चा है हमारा, हम कितना ही डांट दें, आप इसको डेली फोन करके बोल दिया करो कि पढ़ाई कर ले, हमारी तो मानता ही नहीं है बिल्कुल भी ये। हाँ जी सर, आप ही कह दिया करो इसको। हाँ सर कोई और खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? सर इसको फोन करके उठा दिया करो, पढ़ने बैठा दिया करो, फोन करके खाने वगैरह का भी पूछ लिया करो, एक्सरसाइज का भी पूछ लिया करो। सर कुछ रह गया? हाँ सर ये ना कभी कभी फ्लश कपड़े दबाना भी भूल जाता है, वो भी फोन करके इसको याद दिला दिया करो। कितने उच्च ख्याल है सर आपके, कोई डिप्लोमा वगैरह किया है या ये सेल्फ बिल्ड है? बस सर आप जैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। वाह वाह शुक्रिया सर, धन्यवाद।